नमस्कार दोस्तों, लीगल अवेयरनेस में आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटी डिफेक्शन लॉस। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉस? बेसिकली इसे दल बदल कानून कहते हैं। में संविधान का 52वां 52nd अमेंडमेंट संशोधन 1985 में संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 52nd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एक संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल आपकी लाई गई। और इस 10वीं अनुसूची में इसको जो ऐड किया गया है 10th शेड्यूल को, इसका मेन मकसद था कि टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। बेसिकली इसे लाने का, इसमें जो ऐड किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ वो किन सेक्शंस पे हुए, किन आर्टिकल्स पे हुए सॉरी, तो वो हुए आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 191। ये चारों आर्टिकल्स का संशोधन किया गया, जिसमें एक क्लॉज जो है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में क्लॉज 2 को ऐड किया गया है। अब इसमें क्या हुआ, इसके बाद 10th शेड्यूल लाया गया, और जिसमें जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एंटी डिफेक्शन लॉज बनाना और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाना। अब ये हुआ क्या, ये दल बदल कानून, पहले तो एक फेमस मैक्सिम है आया राम गया राम, ये आप समझ लीजिए गया राम। 1967 में ये हरियाणा के आपके विधायक थे, हरियाणा स्टेट ये एमएलए थे, इनका नाम था गयालाल। और ये दो हफ्ते के अंदर विद इन अ फोर्टनाइट तीन बार पार्टी चेंज किए, जिसके बाद ये मैक्सिम आपका फेमस हुआ। और उसके बाद ही एक पैनल बनाई गई YB54 की पैनल, YB54, जिन्होंने ये सजेशन दिया उस टाइम के जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, कि दल बदल कानून बनाया जाए। और इसी सिलसिले में इसी को जितने भी इसको बाद गवर्नमेंट आए उन्होंने कोशिश किया, फाइनली 1985 में 52nd अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉज बनाए गए। तो क्या होता है डिफेक्शन, आइए अब ये समझते हैं। सीधी सीधी बात, सिर्फ आपको डिफेक्शन समझना है, बाकी एंटी डिफेक्शन समझ में आएगा। डिफेक्शन का मतलब होता है स्विचिंग ओवर टू पॉलिटिकल पार्टी। जब एक मंत्री किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से उसको टिकट मिला, चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गए, लेकिन और उसके बाद जब देखे कि उनको दूसरे पार्टी से ज़्यादा ऑफर आ रहा, तो ये पहली पार्टी से जहाँ से उनको टिकट मिला था उसको छोड़ के वो उसको स्विच ओवर करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लिए। तो इस तरीके से ऐसे दल बदल करने वाले जो मेंबर्स थे उनको
उन नकेल कसने के लिए, उन पर बंदिश लगाने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉज लाए गए। और इसमें कुछ इसके प्रोविजंस थे, अच्छा प्रोविजंस ये थे कि ये जब कानून लाया गया था कि ये है कि अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर अपने मेंबरशिप अपने पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरीली अपनी इच्छा से छोड़ता है तो उसकी सदस्यता को, उसको मेंबरशिप को रद्द कर दी जाएगी। पहला ये था इफ एनी पॉलिटिकल मेंबर स्विचेस गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मेंबरशिप पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि कई बार होता है कि पॉलिटिकल पार्टी होते हैं एक व्हिप जारी करते हैं कि आज के जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें सदन में होगी तो आपको फेवर में वोट करना है या डिसफेवर में वोट करना है। तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग जो हाउस में होता है उसके अगेंस्ट में अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का अगर जो डायरेक्शन इशू किया रहता है उसके अगेंस्ट में अगर वो कोई भी अपना ओपिनियन चाहे अपना वोटिंग देता है तो उस केस में भी एक तरफ से ये एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होता है। तो क्या हुआ, इफ़ ही वोट्स, इफ द मेंबर वोट्स, और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग, ये आपके मेन हो गए। तीसरा मेन ये आपके जो मेन आपके पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिया। बाकी अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड किया कि इसमें कौन डिसाइड करेगा कि एक मेंबर की क्वालिफिकेशन को डिसक्वालीफाई की जा रही है, जो एक पॉलिटिकल मेंबर जो सदस्य है उसकी सदस्यता को भंग की जा रही है, तो इसका डिसाइड करने का जो इसका निर्णय लेने का अधिकार जो है वो लोकसभा में स्पीकर को दिया गया है और राज्यसभा में आपका चेयरमैन को दिया गया है। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में और स्टेट काउंसिल में जो भी आपका है वहाँ के जो चेयरमैन और वहाँ के जो स्पीकर हैं उनको ये अथॉरिटीज़ दी गई है। ये एज ए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, इसमें ये दिया है कि ये एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये अपना जो भी डिसीजन होगा, जो भी अपना निर्णय होगा उस मेंबर के प्रति उसके आधार पर ये अपना डिसीजन देंगे। और एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब स्पीकर चाहे चेयरमैन जब अपना जो भी काम करेंगे तो वो क्या बोलते हैं एक चीज़ पे वो काम करेंगे कि वो एज ए ही विल वर्क एज ए ट्राइब्यूनल, उनका जो फंक्शन होगा जब एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब वो काम करेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी अपना काम करेंगे उनका एज ए ट्राइब्यूनल ये अपना फंक्शन करेंगे। कुछ चीज़ें और भी इसमें जोड़ी गई थी जिसमें अगर कोई पार्टी के कोई मेंबर ये था कि मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बाकी आप अपने पॉइंट अपने तरीके से आप लिख लीजिएगा। कोई भी अगर मेंबर किसी पार्टी से 1/3 पहले जब कानून आया था तो 1/3 मेंबर अगर वहाँ से स्विच ऑफ करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको इम्यूनिटी दी गई थी कि ऐसे केस में उनकी सदस्यता भंग नहीं होगी। लेकिन बाद में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई, 91st अमेंडमेंट था वो, तो उसमें इस चीज़ को चेंज करके 2/3 मेंबरशिप कर दिया गया है। इसके अलावा एक क्लॉज और भी है इसमें, एक प्रोविज़न और भी है कि अगर कोई निर्दलीय अगर चुनाव लड़ता है तो 6 महीने के अंदर वो चाहे तो किसी भी इनकमिंग पार्टी में ज्वाइन कर सकता है, चाहे कोई भी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। इसमें जो इसके क्रिटिसाइज़ भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, इसमें जो पहला चैलेंज इसमें ये किया गया था, ये क्रिटिसाइज़ करके किया गया था कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये आर्टिकल 19 को वायलेट करता है क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 को कि ये इट इज़ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है पार्टीज़ की उसको ये मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए लाया गया था। फिर
फेमस जो इसमें केस आए थे वो जो केस था वो था आपका किहोटो होलोहन वेसेस जाचिलू, किहोटो होलोहन, किहोटो होलोहन वेसेस जाचिलू, JAICHAILU जाचिलू, जिसमें क्योंकि इसके पहले ये था कि ऐसा प्रोविज़न था कि जब स्पीकर चाहे चेयरमैन जो भी डिसीजन दे रहे हैं किसी मेंबरशिप की सदस्यता को रद्द करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ के दल बदल कानून के तहत, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन किहोटो होलोहन वर्सेस जाचिलू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये हो गया आपका एंटी डिफेक्शन लॉस। आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी आपके सजेशंस और आपके एडवाइजेस मैसेज बॉक्स में दीजिए, जिसको हम फॉलो करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही दोस्तों, आगे वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए।